हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण पटवारी लाइव फ्रॉम एक्चुएटर्स कोलकाता। एंड आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। जो अभी आपके मन में चल रहा है कि यार हमारा एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया, हम लोग ने इतनी प्लानिंग की थी कि हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे करेंगे, एग्जाम के बाद हमारा छुट्टी होगा, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, अब तो एग्जाम के लिए फिर से 2 महीना 1 महीना और पढ़ो, पता नहीं एग्जाम कब होगा, होगा कि भी नहीं। मेरे को सब लोग मैसेज कर रहे हैं इतना कि भैया एग्जाम कब होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा कि। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, प्लीज फोकस, जैसे पढ़ाई हो रही थी वैसे ही करिए। कितना सिंपल सा बात है ये, जैसे जिस स्पीड से पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करिए। मैं जानता हूँ कि ये कोरोना वायरस होने के पहले आप लोग सब में से 90% लोग तो भगवान से ये मना रहे थे, जब ये कोरोना वायरस का खौफ नहीं था, सब 90% लोग भगवान से मना रहे थे कि प्लीज हमें 10 दिन का टाइम और मिल जाता ना तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करिएगा नीचे में यस। सब लोग ने भगवान से जरूर मनाया होगा कि भगवान प्लीज हमें 10 दिन का टाइम और दे देते ना तो CM1, CM2, CS1, CS2, जो भी आप दे रहे हो, CB1, CB2, हम उसमें एकदम फाड़ देते, एकदम बहुत अच्छे से एग्जाम देते। भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो जो भी हमारे ऑल ओवर द ग्लोब में ऐसा चल रहा है, बट आपको 10 दिन पढ़ने का टाइम दिया गया है। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि आपको कहीं नहीं जाना है और सिर्फ आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम दिया गया है। मेरा तो पढ़ाई पहले से ही हो गया था, मैं अभी क्या करूं? आप एग्जाम दीजिए, हम लोग जो एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं आप एग्जाम दीजिए। अगर आप एक पास वाले स्टूडेंट थे, अगर आपने टारगेट किया था कि आपको पास होना है, तो विश्वास मानिए अब आपका रैंक आ सकता है, आपके पास इतना टाइम है। जो लोग कॉलेज जाने से कतराते थे, यार कॉलेज में तो कुछ होता नहीं है, क्या करे, टाइम वेस्ट, अब तो कॉलेज भी नहीं जाना है, अब क्या चाहते हो, अब तो पढ़ लो प्लीज। मैं जानता हूं कि आपके घर में पन नहीं लगता, आप बैठते हो पढ़ाई लेके तो आप किसी और के बारे में सोचते हो, आप मूवीज के बारे में सोचते हो, आपको पढ़ते पढ़ते तुरंत भूख लग जाता है 20-15 मिनट में, आपका मन बहुत चंचल है, आपका मन बहुत चंचल, आप व्हाट्सएप करते हो, फेसबुक करते हो। बट जब किसी के मन में एक टारगेट होता है ना, उसको कुछ नहीं दिखता है, ना आगे ना पीछे, उसका टारगेट होता है उसे सिर्फ पास होना है, उसे सिर्फ रैंक लाना है। भैया मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, अब मैं क्या करूं? आप मॉक्स दो, अपने आप को एवेल्युएट करो। भैया मार्क्स तक पहले कभी नहीं किया, मेरा हर पेपर में एकदम रैंक वन आया है, अब करो ना, अब करो। आपको एक्स्ट्रा टाइम दे गया। वो बच्चे जो पास फेल में डगमग डगमग थे कि यार हम पास होंगे हम फेल होंगे, अब तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अब तो आपको 1 महीने का समय और दिया गया है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई कर रहे हो ना तो फुल शॉट, फुल स्ट्रोक में, वरना पढ़ाई करने का नाटक मत करो। आई नो आपके घर पे कैसा माहौल होगा, आपके घर पे आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई बहन सब आए हुए होंगे, ऐसे हालात में कंसंट्रेट करना मुश्किल है, बट विश्वास मानिए सब पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि सब छुट्टी का माहौल है, तो ये छुट्टी का माहौल नहीं है, सब पढ़ रहे हैं घर में, सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ऐसा कभी ना हो, मैं ये भगवान से मनाऊंगा, ऐसा कभी ना हो दोबारा कि हमें सब लोगों को घर पे बंद कर दिया गया है, बट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसे अच्छे से यूटिलाइज करिए और पढ़िए। ट्रस्ट मी, अगर पेपर पहले 80 लेवल का आता था ना, अब पेपर 120 लेवल का आएगा, बिकॉज उन्होंने भी देखा है कि आपने सेम चीज को 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन जो भी एक्स्ट्रा पढ़ा है। पढ़िए अच्छा से और दिखा दीजिए कि आप क्या हो। आज तक भैया मेरा कभी 60 के ऊपर नहीं आया, तो जस्ट पास होंगे। अब करो ना, अब नहीं तो कब करोगे?
I'm so much tensed to see you all waste your time like this. You're going to make a solid career. आप लोग कोई first year में हो, कोई second year में हो, एक साल बाद, दो साल बाद आप अपना career बनाओगे. कब तक? कब तक आप मम्मी पापा से पैसे मांग मांग के, मम्मी मेरे को 100 रुपए चाहिए, मम्मी मेरे को 500 रुपए चाहिए, कब तक? मुझे देखो, अपने पैसे कमा के उड़ाने का कुछ मजा ही कुछ और होता है. उसके लिए मेहनत लगती है, नहीं तो फिर अटेम्प्ट्स लगते हैं. भैया मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, घर में सब इतना शोरगुल्ला है. कुछ भी हो जाए, पढ़ना जरूर है. उसी पेस से पढ़िए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए. आई विश कि अब की बार हमारे यहां से एक भी बच्चा फेल ना हो. हमारे यहां से क्या, कहीं से कोई भी फेल ना हो, कहीं से कोई भी फेल ना हो. आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, जो लोग काम करते थे मेरे स्टूडेंट्स या फिर कोई जनरल जो ये वीडियो देख रहा है, जब कल तक ऑफिस में आपको इतना ज्यादा खटाया जाता था, तब तो आप कंप्लेन करते थे कि हमें तो ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है, ये है वो है. और आज जब आपको ऑफिस से छुट्टी मिल गया है, तब आप क्या कर रहे हैं? आप ये देखिए, अपने आप को एवेल्युएट कीजिए कि इतना दिन से जो आपने ऑफिस के बारे में बोला कि हमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, नहीं मिल पाता टाइम, क्या वो सही था? अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसी तरीके से पढ़िए. लेकिन इफ यू आर नॉट, देन यू शुड. प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड प्लीज स्टडी फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.